नमस्कार, जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, उनके लिए खुशखबरी आ गई है। संघ लोक सेवा आयोग ने 14 फरवरी को यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अभ्यर्थी यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 5 मार्च 2024 है। वही रजिस्टर्ड कैंडिडेट 6 मार्च से 12 मार्च तक अपने आवेदन में करेक्शन भी कर सकते हैं। बता दें कि इस बार की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में कुल 1056 वैकेंसी है, जो कि 2023 के मुकाबले 49 कम है। पिछले साल 1105 वैकेंसी थी। कौन कर सकता आवेदन? किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट अभ्यर्थी यूपीएससी सीएसई 2024 के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र 21 वर्ष से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कब होगी परीक्षा? यूपीएससी सीएसई 2024 प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 26 मार्च 2024 को किया जाएगा। प्री एग्जाम में सफल होने वाले अभ्यर्थी मेंस परीक्षा में शामिल होंगे और मेंस एग्जाम में सफल कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। किस कैटेगरी को कितने अटेम्प्ट मिलेंगे? जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी को 6 अटेम्प्ट देने की छूट है। वही ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी को 9 अटेम्प्ट मिलते हैं, जबकि एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कोई अटेम्प्ट लिमिट तय नहीं की गई है। यानी कि इस वर्ग के अभ्यर्थी जितना चाहे उतना अटेम्प्ट दे सकते हैं। कहां और कैसे करें आवेदन? यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं। होम पेज पर दिए गए ओटीआर टैब पर क्लिक करें। डिटेल दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करें और आवेदन शुरू करें। डॉक्यूमेंट अपलोड करें और फी जमा कर सबमिट करें। किन पदों के लिए होगी परीक्षा? यूपीएससी भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS, भारतीय विदेश सेवा IFS और भारतीय राजस्व सेवा IRS में मुख्य सरकारी पदों पर ग्रुप ए और बी के अधिकारियों की भर्ती के लिए सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। तो देर किस बात की, अभी ही यूपीएससी के ऑफिशियल साइट पर जाएं और आवेदन करें। ऐसे तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।